हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे लेसन नंबर 10 पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज स्मूथिंग क्या होता है। ठीक है, हम जल्दी से क्विक रिकैप करेंगे इसकी डेफिनेशन का, फिर हम एक बार डिफरेंस देखेंगे इमेज स्मूथिंग में और इन्हेंसमेंट में क्या अंतर होता है, फिर एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे हम इमेज स्मूथिंग का। ठीक है, तो यार ये अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो उसके सही है। अगर आपको बेसिकली न्यूमेरिक वे में चाहिए तो यार आपको गूगल में सर्च करके वहाँ पर न्यूमेरिक आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो हमने बेसिकली बात करी गई है इमेज स्मूथिंग की डेफिनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इमेज स्मूथिंग क्या होता है कि इमेज को बनाना ज़्यादा यूनिफॉर्म, लेस नॉइसी, ताकि उसकी जो विजुअल क्वालिटी है इम्प्रूव की वो इम्प्रूव हो। ठीक है, ताकि उसमें हम आगे और एनालिसिस कर सकें, फर्दर एनालिसिस कर सकें, यही हमारा इमेज स्मूथिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इमेज को फॉर एग्जांपल के लिए इमेज में कहीं पर नॉइज है, कहीं पर थोड़ा सा ब्लर है, कहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, तो वो क्या करेगा कि पूरा क्या करेगा, उसको पहले मैट्रिक्स में चेंज करेगा। मान लो ठीक है, कोई इमेज को मैट्रिक्स में चेंज कर दिया उसने एक्स एंड वाई में, देन उसने क्या किया उसके बाद उसमें बेसिकली जो भी मैट्रिक्स है उसको चेंज करके उसमें जो पर्टिकुलर पिक्सल्स हैं, ठीक है, उन सबको उसने उसका मीन निकाला। ठीक है, उसमें अलग अलग फिल्टरिंग का इस्तेमाल करके, देन उसके बाद उसने क्या किया कि उसको क्या 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 कर दिया, उसका एक मीन निकाल के उन सब का मीन आपको तो पता होगा मीन कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल 10 अगर डिजिट दे रखी है उन सबको प्लस करके अपॉन में जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं, तो अपॉन में 10 लिख के उन सबको फिर काट के जितना भी आता है उसको हम कहते हैं मीन निकालना। ठीक है, तो मीन ही निकाल के हम क्या करेंगे उसकी जो ओवरऑल उसको एक यूनिफॉर्म मिडी में लेके आएंगे, उसको लेस नॉइजी बनाएंगे, उसमें जो नॉइज उसको हटा देंगे और उसकी जो विजुअल क्वालिटी इमेज की वो इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसमें इमेज स्मूथिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इतना हमारा क्लियर हो गया। अब आता है कि इमेज स्मूथिंग और इन्हेंसमेंट में क्या अंतर है। तो स्मूथिंग के अंदर क्या होता है कि हम नॉइज को रिड्यूस करते हैं और जो ब्लरिंग फाइन डिटेल, ठीक है, जो भी बहुत ज़्यादा ही फाइन डिटेल है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा तीखे डिटेल हैं, ठीक है, कुछ बहुत ही तीखे होते हैं, तो उनको क्या करते हैं ब्लर आउट करते हैं। ठीक है, उनको हम स्मूथ आउट कर देते हैं ताकि सब बराबर लगे, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही बेकार लग रहा है इमेज के अंदर, ऐसा ना हो। इन्हेंसमेंट में क्या होता है कि हम ओवरऑल अपीयरेंस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस आप समझ रहे हो। वहाँ पर हम स्पेसिफिक अगर कोई चीज़ बुरी है उसको हम उसमें हम स्मूथिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्हेंसमेंट में क्या हो रहा है कि हम पूरा ओवरऑल अपीयरेंस उसके हाईलाइट कर रहे हैं, स्पेसिफिक उसके एंड हाईलाइट स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ इमेज। ठीक है, कोई अगर स्पेसिफिक फीचर्स है, फॉर एग्जाम्पल उसकी ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो इन्हेंसमेंट में आएगा। समझ में आ रहा है, स्मूथिंग तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली उसमें नॉइज हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको बस स्मूथ कर रहे हैं, उसमें हम कोई स्पेसिफिक जगह में कुछ चीज़ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन्हेंसमेंट में क्या कर रहे हैं स्पेसिफिक हम स्पेसिफिक फीचर्स में हम उसके जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज ये है स्मूथिंग फाइन डिटेल, उसकी फाइन डिटेल होती है उसको स्मूथिंग कर देते हैं, नॉइज का बहुत कम कर देते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इतना सब चीज़ करते हो तो क्या होता है जो उसकी डिटेल होती है किसी भी इमेज की वो लॉस हो जाती है, ओवर स्मूथिंग का डर रहता है कि बहुत ज़्यादा स्मूथिंग ना हो जाए, कि जो बेसिक जो चीज़ें हैं ठीक है वही ना कहीं रिमूव हो जाए। और तीसरा होता है कि कंप्यूटर्सनल जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, ठीक है, जब आप उसमें अप्लाई करते हो इमेज स्मूथनिंग, तो क्या होता है कि कभी कभी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज बोले तो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें, तो उसको भी वो भी हम अपने अकाउंट में लेते हैं और वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत हमें करता है। तो ये यार पूरी प्रोसेस थी हमारी इमेज स्मूथनिंग की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। कमेंट में लिखो वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार दोस्तों को भी शेयर करो अपने ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि आपको ग्रुप व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं पर भी जहाँ पर भी है आपका। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्ले सेक्शन में जाकर देख सकते हो, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग करके हमने पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें हमने पूरी वीडियोस बना भतीजी वीडियो पड़ी हुई है 50-60 जितनी भी हैं, ठीक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अगर आपको वैसे प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप पर्टिकुलर टॉपिक डाल के हमारे चैनल का नाम डाल के भी इसको सर्च कर सकते हो। टिल देन मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हेल्थी एंड बी सेफ, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।